होगा जो इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ इस तरह की रील वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। सो आप भी इस टाइप की रील वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देख लेना है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, इस टाइप की एडिटिंग सीखने के लिए आपको ये दो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा। कैपकट एप्लीकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लेना। और टर्बो वीपीएन एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपको टर्बो वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करके आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करके आपको ऊपर न्यू प्रोजेक्ट वाले बटन पर आपको टैप कर देना है। देन आपको अपनी गैलरी में से अपने वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करके सिंपली आपको इसको ऐप के अंदर ऐड कर लेना होगा। तो यहाँ पर हमारी वीडियो ऐप के अंदर ऐड हो चुकी है जैसे कि देख सकते हो। तो आपको वीडियो को ऐप के अंदर ऐड कर लेना है। देन आपको वीडियो को लास्ट पाना है। यहाँ पर आपको इस ऐप का वॉटरमार्क देखने को मिल जाएगा, तो इसके ऊपर आपको टैप करके सिंपली आपको इसको डिलीट कर देना है। तो डिलीट करने के बाद फ्रेंड्स आपको अपने वीडियो की ऑडियो को आपको म्यूट करना होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे ये वाला बटन दिख रहा है, तो इस वाले बटन पर आपको टैप करना है। देन इसकी ऑडियो को आपको म्यूट कर देना है। तो आपको ये कर लेना है। ये करके फ्रेंड्स आपको नीचे ओवरले वाले बटन पर आपको टैप करना है। देन ऐड ओवरले इस पर आपको टैप करना है। देन आपको अपनी गैलरी में से रील वीडियो को सिलेक्ट करके सिंपली ऐप के अंदर ऐड कर लेना है। तो ये वाली रील वीडियो जैसे कि देख सकते हो। तो इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो डाउनलोड कर लेना। देन ऐप के अंदर आपको इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद फ्रेंड्स आपको इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना कुछ इस तरीके से। देन आपको इसको नीचे की तरफ ऐड कर देना है। सो ये कनेक्शन फ्रेंड्स आपको वीडियो का लास्ट माना है वापस से। एंड आपको ये जो छोटी वाली वीडियो हमने ऐड करी थी, तो सिंपली आपको इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी वीडियो को स्प्लिट कर लेना है। तो यहाँ तक हम इसको स्प्लिट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो आपको ये कर लेना है। ये करके आपको वीडियो को स्टार्टिंग माना है। एंड यहाँ पे आपको वीडियो को प्ले करना है। वीडियो को प्ले करके आपको देखना है कि छोटे वाली वीडियो में कौन सा इफेक्ट लग रहा है। तो जैसे कि देख सकते हो छोटे वाली वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे एक शेक इफेक्ट देखने को मिलेगा, एंड उससे पहले आपको ब्लर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा ये वाला। तो सिंपली आपको वीडियो को प्ले करना है। एंड यहाँ पे ये जो ब्लर इफेक्ट है जहाँ पे ये एंड हो रहा है, एंड जो शेक इफेक्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। तो सिंपली आपको इनके दोनों के बीच में आ जाना है। ओके, तो हम थोड़ा सा इसको आगे की तरफ करेंगे। एंड यहाँ पे ये शेक इफेक्ट आ रहा है, वहाँ पे हम वीडियो को स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे हम वीडियो को स्टॉप करेंगे। एंड आप अपने वाली वीडियो पर टैप करना है। एंड नीचे आपको स्प्लिट वाले बटन पर टैप करना है। एंड आपको अपने वीडियो को स्प्लिट कर लेना। ओके, तो आपको ये कर लेना है। ये करके फ्रेंड्स आपको वीडियो को वापस से प्ले करना है। एंड यहाँ पे आपको वापस से एक शेक इफेक्ट और देखने को मिल जाएगा वीडियो के आगे। तो सिंपली आपको वापस से वहीं आना है जहाँ पे शेक इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम वीडियो को पॉज करेंगे, देन वापस से वीडियो पर टैप करके इसको स्प्लिट कर लेंगे। ओके, देन आपको वापस से वीडियो को प्ले करना है एंड देखना और कौन सा शेक इफेक्ट है। तो वापस से एक शेक इफेक्ट आ रहा है छोटे वाली वीडियो के अंदर, तो हम वापस से उसी वाली पोजीशन पर जाएंगे जहाँ पे शेक इफेक्ट आ रहा है। तो हम वापस से उसी वाली पोजीशन पर जाएंगे जहाँ पे शेक इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हम वीडियो को पॉज करेंगे। ओके, एंड वापस से वीडियो को स्प्लिट कर लेंगे। तो वीडियो पर टैप करेंगे एंड इसको हम स्प्लिट कर लेंगे। एंड वापस से वीडियो को आपको प्ले करना है। ओके, तो ये करके आपको देखना और कौन सा शेक इफेक्ट है। तो वापस आपको यहाँ पे एक शेक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो वापस आपको वही पोजीशन पाना जहाँ पे शेक इफेक्ट आ रहा है। एंड आपको वीडियो को स्प्लिट कर लेना है। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे एंड यहाँ पे हम वीडियो को स्टॉप करेंगे एंड यहाँ पे हम इसको स्प्लिट कर लेंगे। सो ये करके आपको वापस से वीडियो को प्ले करना है एंड वापस आपको शेक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको वापस से वीडियो को स्प्लिट कर लेना है। ओके, तो आपको ये परफेक्ट तरीके से स्प्लिट कर लेना है। ये करके फ्रेंड्स आपको वीडियो की स्टार्टिंग माना है। देन यहाँ पे आपको अपने वीडियो के अंदर हालो ब्लर इफेक्ट ऐड करना होगा, जो सर्कल टाइप का ब्लर इफेक्ट है। तो वो ऐड करने के लिए आपको नीचे इफेक्ट वाले बटन पे टैप करना है। देन वीडियो इफेक्ट इस पर आपको टैप करना है। देन यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इस वाले बटन पे आपको टैप कर देना है। तो यहाँ पे आपको कई सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आपको इनमें से हालो ब्लर इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अगर यहाँ पे आपको हालो ब्लर इफेक्ट ना मिले इस वाले ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाले बटन के अंदर, तो आपको ऊपर की तरफ पीपल आर सर्चिंग इस पर आपको टैप कर देना है। एंड यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना हालो ब्लर। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं हालो ब्लर। तो सर्च करने पे आपको ऊपर हालो ब्लर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके आपको ऊपर पेंसिल वाले बटन पे आपको टैप करना है एंड राइट वाले बटन पे आपको टैप कर देना है। एंड इसकी जो लेयर है सिंपली आपको यहाँ तक करना है जहाँ तक हमने फर्स्ट स्प्लिट ऐड करा था, वहाँ तक आपको इसको ऐड करना है। एंड नीचे की तरफ आपको एडजस्ट वाले बटन पे टैप करना है एंड इसकी इंटेंसिटी को आपको फुल कर देना है। एंड इसकी जो स्पीड है इसको आपको जीरो करना है। यह करके आपको राइट वाले बटन पे टैप कर देना है। तो इसके अंदर ये अप्लाई हो जाएगा जैसे कि देख सकते हो। तो आपको ये कर लेना। सो ये करके आपको वीडियो के आगे ना है।
एंड यहाँ पे आपको जो फर्स्ट वाली स्प्लिट है उसके अंदर हमको शेक इफेक्ट ऐड करना होगा, जैसे कि देख सकते हो। तो वो ऐड करने के लिए आपको सिंपली वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लेना है एंड जो ये वाली क्लिप है इस पर आपको टैप करना है, देन नीचे की तरफ आपको एनिमेशन है इस पर आपको टैप करना है। सो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इनका, आउट का और कॉम्बो का, तो आपको इन वाले को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपको आगे की तरफ एक एनिमेशन देखने को मिलेगा रोप ओरिजेंटल, तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है एंड राइट वाले बटन पर आपको टैप कर देना है, तो इसके अंदर ये अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हो, मैं वीडियो को आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे देखना तो ये इसमें ऐड हो चुका है। देन उसी के आगे आपको एक और शेक इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो सिंपली आपको ये जो सेकंड वाली क्लिप है तो इसके ऊपर आपको टैप करना है, देन एनिमेशन इस पर आपको टैप करना है एंड यहाँ पे आपको इन वाले को सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे आपको इन वाले को सिलेक्ट करना है, देन आपको आगे की तरफ इफेक्ट देखने को मिलेगा रोक वेटकल, तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, देन राइट वाले बटन पर आपको टैप कर देना है, तो इसके अंदर ये अप्लाई हो जाएगा जैसे कि देख सकते हो। तो आपको ये ऐड कर लेना है, ये करके सिंपली आपको वापस से वीडियो को प्ले करना है, यहाँ पे आपको वापस से एक शेक इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो सिंपली आपको ये जो थर्ड क्लिप है तो इसके ऊपर आपको टैप करना है, देन एनिमेशन इस पर आपको टैप करना है एंड इन वाले को आपको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपको वापस से रोक होरिजेंटल इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करके आपको राइट वाले बटन पर टैप कर देना है, तो इसके अंदर ये अप्लाई हो जाएगा जैसे कि देख सकते हो। देन आपको वापस से वीडियो को प्ले करना है एंड यहाँ पे आपको वापस से एक शेक इफेक्ट देखने को मिलेगा, ओके। तो सिंपली आपको वापस से टैप करना है वीडियो के ऊपर, देन एनिमेशन इसके ऊपर आपको टैप करना है एंड यहाँ पे आपको इन वाले को सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे आपको रोक वेरिटिकल इसको आपको सिलेक्ट करना है एंड आपको राइट वाले बटन पर टैप कर देना है। सो ये कनेक्टमेंट फ्रेंड्स, आपको वापस से वीडियो को प्ले करना है एंड यहाँ पे आपको ये जो लास्ट वाली क्लिप है सिंपली आपको इसके ऊपर टैप करना है, देन एनिमेशन वाले बटन पर आपको टैप करना है एंड यहाँ पे आपको इन वाले को सिलेक्ट करके सिंपली आपको यहाँ पे रोक होरिजेंटल इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ओके। तो आपको इसको सिलेक्ट करके राइट वाले बटन पर आपको टैप करना है, तो इसके अंदर ये अप्लाई हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आप हमारा वीडियो रेडी हो चुका है, तो आपको ये परफेक्ट तरीके से एडिटिंग कर लेनी है, देन आपको इस वीडियो को गैलरी में सेव करना होगा। बट उससे पहले फ्रेंड्स, आपको नीचे की तरफ ओवरले वाले बटन पर आपको टैप करना है एंड जो हमने ये वीडियो क्लिप ऐड करी थी रील वीडियो, तो सिंपली आपको इसके ऊपर टैप करना है। तो यहाँ पे आपको इनको आगे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ आपको आगे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सटर्नल ऑडियो, तो इसके ऊपर आपको टैप करना है। तो जैसे टैप करोगे तो रील में से साउंड कन्वर्ट होकर ए 15 ऐड हो जाएगा जैसे कि देख सकते हो, तो आपको ये कर लेना है। देन आपको वापस से ओवरले पे टैप करना है एंड जो ये रील वीडियो है सिंपली आपको इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करके फ्रेंड्स, आपको ऊपर एक्सपोर्ट वाले बटन पर आपको टैप करना है, देन आपको अपने वीडियो को गैलरी में सेव कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आप ये वीडियो क्रिएट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल पर प्रेस करना, जिससे हमारा ट्रेनिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, तो सब्सक्राइब कर लेना।